हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं कि नामचीन चक्रवर्ती के सपोर्ट में उतरे बॉलीवुड के सुपरस्टार कमाल आर खान ने। जी हां दोस्तों, कमाल खान ने खुलकर बोला कि नामचीन चक्रवर्ती से बढ़कर आज के डेट में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कमाल खान ने सलमान खान की ओर इशारा करते हुए कहे कि सलमान खान तो अब बूढ़े हो गए, उनकी फिल्मों की डिमांड कम गई, और बोले कि बैड बॉय एक ऐसी मूवी है जिसे पूरे बॉलीवुड में इतिहास रचेगा। फाइनली इतिहास रच ही डाला और सलमान खान को टक्कर देते हुए आगे बढ़ गया बैड बॉय, जो कि नामचीन चक्रवर्ती का है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नामचीन चक्रवर्ती ने सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी का जान को भी टक्कर दे दिया। समझ सकते हैं कि पहली फिल्म से ही बड़े बड़े सुपरस्टारों को नामचीन चक्रवर्ती ने धूल चटा दिए हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नामचीन चक्रवर्ती ने अपने कैरियर की शुरुआत डेब्यू की है पहली फिल्म जिसका नाम है बैड बॉय, जिसमें आपको दिखे हैं अमरीन कुरैशी जो कि खूबसूरत एक्ट्रेस है। इसका निर्देशन किया गया है राजकुमार संतोषी जी का। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि राजकुमार संतोषी का किस तरह का मूवी रहता है। और मिथुन चक्रवर्ती ने खुलकर कहा कि मेरे बेटे ने नाम रोशन कर दिया, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नामचीन चक्रवर्ती ने पहली फिल्म से ही पूरे बॉलीवुड में आग लगा डाले हैं। क्योंकि पहली फिल्म बैड बॉय को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि आप लोग सुनकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नामचीन चक्रवर्ती ने पहली फिल्म बैड बॉय को इतना प्रमोशन नहीं कर पाए जितना पहली फिल्म के किया जाता है, लेकिन कुछ प्रमोशन के बदौलत ही इनकी मूवी को आज के डेट में पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में छा गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैड बॉय की स्टोरी इतनी लाजवाब है कि जो भी थिएटर्स में जाएंगे हंसते हुए आएंगे, क्योंकि इसमें कॉमेडी रोमांस और एक्शन से भरपूर है। आपको गाने इतने जबरदस्त सुनने को मिलेंगे कि आप लोग कहें कि हाँ, किसी ने बॉलीवुड स्टार को स्टार कास्ट किया है, जो कि देखने में लग रहा है कि हाँ बॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नामचीन चक्रवर्ती ने खुलकर बोला कि मैं इससे और आगे बेहतर करूंगा, क्योंकि ये मेरी पहली मूवी थी तो मैं कुछ हेजिटेशन में था कि कैसे क्या करूं। नामचीन चक्रवर्ती ने खुलकर कहा कि मैं अपने दर्शकों के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बोले नामचीन चक्रवर्ती कि अब मैं अपने बॉडी पे ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि ये मेरे पहली फिल्म में उतना खास बॉडी नहीं था, लेकिन मैं बहुत जल्द जिम ज्वाइन कर लिया हूं और अपने बॉडी पे ध्यान दे रहा हूं। जो मेरी नेक्स्ट मूवी होगा उसमें मेरा आप देख सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मुंबई में नामचीन चक्रवर्ती के इतने ज़्यादा फैंस हो गए कि जहाँ भी नामचीन चक्रवर्ती जाते हैं इन्हें लोग मीडिया के साथ साथ दर्शकों भी घेर लेते हैं एक सेल्फी लेने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में नामचीन चक्रवर्ती बॉलीवुड का एक ऐसा सितारा बन गए जिन्हें चारों तरफ खोजे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर लोग इन्हें फिल्म के ऑफर किए हैं, लेकिन नामचीन चक्रवर्ती ने खुलकर बोला कि मैं अभी कुछ दिनों तक मूवी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने बॉडी पे ध्यान देना है। बहुत सारे प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि आप साइन कर दीजिए, उसके बाद कभी भी आप मूवी कर सकते हैं, लेकिन नामचीन चक्रवर्ती ने खुलकर कहा कि मैं अपने दर्शकों को कभी भी नाराज नहीं करूंगा और मैं हर एक साल एक मूवी देने की कोशिश करूंगा, इससे बेहतर और मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, नामचीन चक्रवर्ती ने एक और बात खुलकर बोला, कहा कि मैं दर्शकों की खुश करने वाली मूवी बनाना चाहता हूँ, ये नहीं कि दर्शक मेरे मूवी को देखकर बोरिंग फील करें। नामचीन चक्रवर्ती ने खुलकर कहा कि मैं दर्शकों को हमेशा खुश करने की कोशिश करूंगा। नामचीन चक्रवर्ती को बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि आज के डेट में नामचीन चक्रवर्ती टाइगर श्रॉफ बन गए, क्योंकि टाइगर श्रॉफ और नामचीन चक्रवर्ती का फेस मिलता जुलता हुआ नजर आता है। दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मिथुन चक्रवर्ती और नामचीन चक्रवर्ती के रियल फैंस हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।